नमस्कार जोहार रांची, आप सुन रहे हैं रेडियो खांची 90.4 एफएम, हम सबका रेडियो। मैं आरजे शिल्पी और शो चल रहा चमकते सितारे। वैसे तो चमकते सितारे के सेगमेंट में हमने कई म्यूजिकल जर्नीज का मजा लिया है, हिस्सा बने हैं हम, लेकिन आज की जो म्यूजिकल जर्नी है वो जरा हटके है। वो हटके क्यों है इस बारे में आप सोच रहे होंगे, तो फिर खुद ही सुन लिया जाए। आप सभी को पता चल गया होगा कि ये जो म्यूजिकल जर्नी है वो जरा हटके क्यों है, क्योंकि ये जो गीत है वो कुड़माली भाषा में है और इसे गाने वाले प्रसिद्ध गायक है डॉक्टर शैलेश कुमार महतो। तो सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद पूरे रेडियो खांची की टीम को, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में हमें बुलाने के लिए। जी सर, तो सबसे पहले वैसे तो आपको कई लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो जाए। जी, मैं बेसिकली रांची जिले के सिल्ली पंचपरगना क्षेत्र का निवासी हूँ। मेरे गांव का नाम हजाम है जी, और मेरी पढ़ाई लिखाई वहीं से हुई, बंता हजाम हाई स्कूल से। और मेरे पिताजी पेशे से शिक्षक श्री लाल सिंह महतो और माता अन्नपूर्णा देवी। मेरे दो भाई हैं सुभाष प्रसाद महतो और कैलाश चंद्र महतो, बड़ी दीदी उषा। और फिलहाल मैं राजस्व उप निरीक्षक के पद पर गढ़वा में पोस्टिंग है मेरी। जी जी। और अभी मैंने हाल ही में कुड़माली भाषा से मैंने पीएचडी की उपाधि रांची विश्वविद्यालय से ली है। क्या बात है। तो सर, अब मैं जानना चाहूंगी कि म्यूजिक की तरफ आपका इंटरेस्ट कब आया? जी मैम, मैं बचपन से ही संगीत के प्रति मेरी अभिरुचि रही है। स्कूल के दिनों में मैं शास्त्रीय संगीत तो नहीं, लेकिन लोकगीत गुनगुनाया करता था, भजन वगैरह गाते थे, तो वहाँ लोगों की सराहना मिलती थी। और जब मैं रांची आया 99-2000 में, उस समय मुझे यहाँ के लोकगीतों से बहुत लगाव हुआ और मैं यहाँ के राग रागिनियों को जानने की कोशिश की, और ये जर्नी वहीं से शुरू होती है। जी सर, तो आज के दौर में मैक्सिमम लोग बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ जाना चाहते हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड के गाने पसंद करते हैं, फिर आपके लिए ये जो कुड़माली भाषा गाने का ये जो करियर था, ये सिलसिला था, इसमें आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? जी मैम, कहीं ना कहीं बॉलीवुड संगीत तो अपनी जगह पे है ही, वो पूरे भारत का सिनेमा जगत का संगीत है, उसे तो पूरे दुनिया भी सुनती है। शास्त्रीय भी है, फिल्मी संगीत का अपना दौर है, सुगम संगीत का अपना दौर है, लेकिन कहीं ना कहीं आप गौर फरमाएंगे वहाँ के बहुत से संगीतकारों को, तो आप देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं फोक बैकग्राउंड से आते हैं और उन्होंने उन लोग रागों को लेकर बहुत अच्छे अच्छे गीत कंपोज किए हैं और उन्हें बहुत प्यार भी मिला है। जी जी। तो सर, आपका इंटरेस्ट कब आया कि आपको कुड़माली भाषा में गाना चाहिए, लोकगीत की तरफ जाना चाहिए? मुझे 2000 के बाद जब से मैं रांची आया, उसके बाद से कहीं ना कहीं एक आहट सी हुई थी, लेकिन जब मैं अपने पढ़ाई के दौरान जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, जो रांची विश्वविद्यालय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, वहाँ पे 9 भाषाओं की पढ़ाई होती है, वहाँ पे जब मेरा दाखिला हुआ एमए में, वो एक संयोग कह सकते हैं, क्योंकि मैं प्योर साइंस का स्टूडेंट था, मैथमेटिक्स मेरा ऑनर्स रहा था। अच्छा। लेकिन कंपटीशन के दौरान मुझे ऐसा लगा था कि जैसे जेपीएससी वगैरह का जो एग्जाम है, उसके लिए मुझे एक पेपर, रीजनल पेपर जो होता है, उसके लिए मुझे प्रिपरेशन करने की आवश्यकता थी, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपनी मातृभाषा को पढ़ूं। और ये बहुत सुखद संयोग कह सकते हैं कि मुझे एमए की डिग्री मिली वहां से, और उन्हीं दिनों मुझे ऐसा लगा कि अब समय आ गया कि अपनी मातृभाषा के लिए कुछ करूं। तो यही रीजन है कि आपने फिर इस भाषा में गाना शुरू कर दिया? जी बिल्कुल, और शुरुआती दौर से ही, जैसे पीजी के दौरान मेरा नेट जेआरएफ हो गया था। जी जी। तो नेट जेआरएफ के बाद मुझे इच्छा हुई कि मैं इस भाषा में पीएचडी करूं, और बहुत खुशी हो रही कि मेरा पिछले वीक ही मेरा पीएचडी का रिजल्ट आया है और मैं अब कुड़माली का एक शोधार्थी के रूप में भी जाना जाता हूं, लोक गायक के साथ साथ। क्या बात है, तो आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे रेडियो खांची की टीम को। जी, और सर आपने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखा है? जी बिल्कुल, मैं 2016 के आसपास से पंडित गुनी शर्मा चुटिया, रांची के एक बहुत अच्छे संगीतकार हैं, उनसे मैंने क्लासिकल की बारीकी सीखी, और प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से मुझे प्रभाकर की डिग्री मिली है, 6 साल का कोर्स मैंने किया है, और कहीं न कहीं वो मेरे लिए बहुत ही लाभदायक हो। जी, तो सर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक आपके लिए कहाँ स्टैंड करता है? जैसे हर आर्टिस्ट के लिए डांस हो, एक्टिंग हो, या म्यूजिक ही क्यों ना हो, जो रूट से जुड़ा जो ज्ञान है, जिसकी तालीम है, वो होनी चाहिए, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, कहीं न कहीं
हर कोई भी काम करने के पीछे एक ग्रामर होता है, एक फॉर्मूला होता है। जैसे आप मैथ सॉल्व करने जाते हैं तो अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो उस मैथ्स को आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं इंडियन क्लासिकल जो है वो कोई भी गीत का हो, चाहे वो लोकगीत हो चाहे कोई भी गीत हो, उसका बेस है, उसका आधार है। और जो कलाकार, जो भी आर्टिस्ट गायन के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे गा रहे हैं, उनको मतलब शास्त्रीय संगीत का ज्ञान होना आवश्यक है। क्योंकि सुर ताल का ज्ञान बिना साधना के या फिर बिना बेसिक्स का आप नहीं कर सकते हैं। तो सर, इसके बाद मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी पहली स्टेज परफॉर्मेंस कब हुई थी? ये तो मुझे जहाँ तक याद है, स्कूल में छोटे मोटे कार्यक्रम होते तो उसमें उसको तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि वो म्यूजिक के साथ नहीं होते थे, तो ओपन होते थे स्कूल के छोटे छोटे प्रोग्राम। लेकिन रांची आने के बाद 2002-03 से मेरा स्टेज शो शुरू हुआ, और ऊपर वाले का शुक्रिया कहें, चाहे अपने जो भी अरायद हैं उनका शुक्रिया कहें कि मैं स्टेज में जब शुरुआती दौर में था तभी बेसुरा नहीं हुआ, है ना, डर था, लेकिन सुरताल के साथ एक जो सामंजस्य है उसको स्थापित कर पाया। और मुझे बहुत खुशी होती है कि ये जर्नी अभी भी जारी है इतनी व्यस्तता के बावजूद। जी, तो सर, क्योंकि कहते हैं ना कि आर्ट इज विदिन, तो अगर वो आपके अंदर है तो फिर भले हमने तालीम ली हो या ना ली हो, जैसे आपने कहा कि बेसुरा नहीं होते थे कभी भी, तो वो इंसान के अंदर रहता है तो इंसान गा ही लेता है। अच्छा जी, कहीं ना कहीं संगीत का कीड़ा था मेरे अंदर, क्योंकि गांव घर में जो कार्यक्रम होते थे, जैसे यहाँ के जो पारंपरिक पर्व त्योहार है, जैसे कर्मा हुआ, शरूल हुआ, जितिया हुआ, चाहे टूसु पर्व, हम लोग उधर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, तो मुझे कहीं ना कहीं इंटरेस्ट था, मैं उसके और मेरा झुकाव था और मैं उन रागों को गुनगुनाने की कोशिश करता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे इस क्षेत्र में आना पड़ेगा, मैं एज ए सिंगर चाहे एज ए कंपोजर मैं कुड़माली भाषा साहित्य के लिए आगे आऊंगा, मुझे मालूम नहीं था। जी बिल्कुल, और फिर धीरे धीरे जब जर्नी शुरू होती है तो फिर आज यहाँ तक आप आ गए हैं। ऐसी ही तो जर्नी होती है आर्टिस्ट की। जी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं एक अनजान सा सफर है, और अब तो यही मन में बस गया है कि इस पे कुछ करना है, और हम लोग अपने स्तर से, अपने टीम के स्तर से काफी कुछ कर रहे हैं अपनी भाषा के लिए, अपने साहित्य के लिए, और संगीत का सफर अब थमने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, आपको बहुत सारी बधाइयां और बेस्ट विशेस हमारे पूरी टीम की ओर से, आगे ऐसे ही आप लोग काम करते रहें। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका दुआ ऐसे ही मिलता रहे, हम लोग आने वाले दिनों में अपनी झारखंडी जो भाषाएं हैं, जी सर, जिससे मैं रूबरू हूँ, जिससे मेरा ताल्लुकात है, मैं उन भाषाओं पे काफी कुछ करने का मेरी इच्छा है। जी सर बिल्कुल, और सर अब मैं चाहूंगी कि आप हमारे लिए कुछ गुनगुना दें। जी बिल्कुल, एक बहुत ही प्यारा सा गीत है जी सर, हम लोग का कर्मा के अवसर पर ये गीत गाया जाता है। जी जी, ये हम लोग पंच परगना क्षेत्र से हैं और भादुरिया राग एक चलता है, भादुरिया भादु महीने में कर्मा के अवसर पर ये गीत गाया जाता है। तो ये बहुत ही मतलब मार्मिक गीत कह सकते हैं। ये गीत का प्रसंग है कि बहुत मन से कोई मतलब अखड़ा में पहुंचती है, जो टीम है उसको इशारा कर रही है कि हम जो गा रहे हैं उसको आप लोग भी उसको साथ साथ में दोहराएंगे, ऐसे करके आगाह कर रही है ये गीत। क्या बात है सर, ऐसे गाने सुनकर जो अपने राज्य से जुड़े हो, अपनी मिट्टी से जुड़े हो, सुनकर बहुत खुशी होती है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये मिट्टी की खुशबू है, माटी की सौंधी खुशबू है, और भले ही आप हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत अपने जगह है और फिल्मी संगीत अपने जगह है, लेकिन लोकगीतों में जो मजा है, बिल्कुल, चाहे आप बिहार के गीतों को सुने, छठ गीत, चाहे चैती सुने, चाहे जो भी सुने, झारखंड के झूमर सुने, झारखंड के कर्म के गीत सुने, सरहुल के गीत सुने, यहाँ के मर्दाना झूमर सुने, उसमें एक अपनापन है, एक जुड़ाव है माटी से, और कहीं ना कहीं एक नई स्फूर्ति का संचार करता है। बिल्कुल, लोकगीतों में वो ताकत होती है कि आप उस राज्य, उस जगह जाए बिना यहाँ से बैठे बैठे उस पूरे राज्य को घूम सकते हैं, वहाँ की खूबसूरती, वहाँ के कल्चर को समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं जैसे हम लोग कोई दूरदर्शन, कोई चलचित्र के माध्यम से जैसे हम लोग किसी जगह की आइडेंटिटी को जान सकते हैं, जी सर, सेम टू सेम
लोकगीतों के साथ भी है, वहाँ के पारंपरिक गीत का राग क्या है, उसके ताल क्या है, उसका नृत्य क्या है, उसी से हमारी पहचान है। और यहाँ कहा भी गया है झारखंड के परिपेक्ष में कि यहाँ पे चलना ही नृत्य है और बोलना ही गीत है। बिल्कुल सर, जब परफॉर्मेंसेस की बात करें तो हर आर्टिस्ट के लाइफ में एक फेवरेट और एक फनीएस्ट परफॉर्मेंस होती है, तो सर आपकी वो दो परफॉर्मेंसेस कौन सी है? जी मेरा शुरुआती दौर का मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं स्कूल में गाता था तो मुझे भजन का बहुत शौक था। उन दिनों मैं निर्गुण भजन जो होता है, अध्यात्म से संबंधित या फिर आत्मा परमात्मा से संबंधित जीवन मरण का जो चक्र है उससे संबंधित गीतों को गाया करता था। तो मुझे जहाँ तक याद है कि वो मेरा वहीं से शायद हो सकता है कि टर्निंग पॉइंट हुआ कि मुझे अपना जो टैलेंट है उसको मुझे शायद लगा कि यहीं से मैं जान पाया कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं संगीत छुपा है। और मैं उस गीत के बाद अपने स्कूल में सर लोगों का फेवरेट हो गया था कि आप सैटरडे को जो भी कल्चरल कार्यक्रम होंगे उसमें आपको गाना है, और कहीं ना कहीं वहाँ से प्रेरणा मिली। और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ये दो लाइन गुनगुनाना चाहूंगा। बिल्कुल सर। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। क्या बात है सर, बहुत खूबसूरत, इसके बोल इतने प्यारे हैं। जी बिल्कुल, ये निर्गुण भजन है और कहते हैं जिसे ये जो संसार है इसमें हम माया के बंधन में आके बन जाते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि इंसान एक मिट्टी का पुतला है जो यहाँ आया है और मिट्टी का पुतला यहीं पे मिल जाएगा मिट्टी में, यही इसका भावार्थ है। और ये गाना मेरा हमेशा फेवरेट रहा है। और दूसरा अगर आप कहें तो हमारे क्षेत्र में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुझे मौका मिला था शरीक होने का, और मतलब सब आर्टिस्ट अपना परफॉर्मेंस दे चुके थे। जब मैं चढ़ा स्टेज पे तो एक मजाक सा हो गया, जनरेटर गांव में खराब हो गया, जनरेटर अचानक से मतलब मेरे परफॉर्मेंस के बाद ही खराब हो गया और वो फिर बना नहीं, और नाइट का समय था, कोई व्यवस्था भी नहीं पाया। तो ये कुछ यादें हैं जो हमेशा मेरे बचपन की पुरानी यादें जी जहन में। बिल्कुल, और ये हमेशा रहती भी है, ये मजेदार यादें ही हैं जो मुश्किल वक्त में याद आती है कि भाई ऐसे हुआ बचपन में, फिर से शुरुआत करनी है, अब अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस करने हैं। जी जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अगर इस तरह की घटनाएं अगर नहीं घटती है तो आगे आपको आगे आने का भी प्रेरणा जो भी होता है, कुछ गलतियां भी होती है। बिल्कुल, फनी मोमेंट पे कुछ गलतियां भी ऐसी होती है जिसके चलते कभी कभी अफसोस भी होता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ से एक सीख भी मिलती है हम अच्छा करें आगे और बेहतर करें। उस समय तो बहुत अफसोस होता है पर बाद में समझ में आता है अच्छा इन्हीं सारी चीजों को सीख कर आज की परफॉर्मेंस में गड़बड़ी नहीं हुई है। जी जी बिल्कुल। और सर जैसे मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो इन सारी चीजों में उलझ कर लोग अपने कल्चर को, लोकगीत को कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं, तो अभी के सोसाइटी में आपके हिसाब से लोकगीत के लिए, कल्चरल सॉन्ग्स के लिए क्या स्पेस है? कहीं ना कहीं आधुनिकता का प्रभाव तो दिखता है, लेकिन फिर भी में से लोकगीत की अपनी जो मजबूती है, उसका जो मजबूती पक्ष है कह सकते हैं, वो कहीं मिट नहीं सकता क्योंकि उसकी जड़ें बहुत मजबूत है। आपको ऐसे पता नहीं चलता, ऐसे हम लोग कोई ओकेजन पे कुछ भी कर ले, चाहे बर्थडे पार्टी मना ले, चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन जब हमारे यहाँ पारंपरिक कुछ भी रस्म आता है, चाहे शादी विवाह आता है, चाहे हम लोग का सरूल आता है, चाहे कर्मा आता है, चाहे कोई भी यहाँ का पारंपरिक त्योहार आता है, होली आता है तो फगवा का रंग चढ़ जाता है, कर्मा में भादुरिया रागों का प्रभाव शुरू हो जाता है, तो वो मिटा नहीं है और मिट भी नहीं सकता है क्योंकि इन गीतों में जो मजा है, जो नाचने गाने का मजा है, वो फिल्मी संगीत में शायद नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही सर। और अंत में मैं चाहूंगी कि आप हमारे जो यंग बडिंग आर्टिस्ट है उनके लिए एक छोटा सा मैसेज दें। जी, जो भी कलाकार हैं, जो भी काम कर रहे हैं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कहें चाहे कहीं पे भी, जो भी लोकगीतों पे काम कर रहे हैं चाहे लोक संगीत पे काम कर रहे हैं, उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आज अगर आप एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जिसको कैसे यूट्यूब के जरिए आप लोग देख सकते हैं, आज एक बहुत बड़ा जरिया बना हुआ है और इसके माध्यम से आप देखेंगे कि हिंदुस्तानी जो फिल्मी संगीत है उसके कंपैरिजन में रीजनल सॉन्ग के जो व्यूज हैं बहुत आगे हैं। और बहुत सारे छोटे बड़े सिंगर को आज मौका मिल रहा है प्लेटफॉर्म, बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे बहुत सारे माध्यम इससे आ गए हैं जिसके माध्यम से घबराने की जरूरत नहीं है। और सब अपना मेहनत करें, संगीत के बारीकियों को सीखें और
अपने कल्चर के लिए अपने यहाँ के जो भी संगीत है, चाहे पर्व त्योहार का संगीत हो, चाहे यहाँ पे जो यहाँ सांस्कृतिक विरासत है उसको लेके, जो भी गीत संगीत है उसको लेके बेहतर काज करें और झारखंड का नाम रोशन करें। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सबका, और रेडियो खांची 90.4 FM को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही हमारे चमकते सितारे कार्यक्रम में हमारे नए नए कलाकारों को बुलाते रहें और ये रेडियो खांची देश विदेश में अपना धूम मचाए। थैंक यू सो मच सर, और हमारी ओर से भी आपको ढेरों शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी जड़ों को पकड़कर आगे चलना कहीं ना कहीं मुश्किल भी है, ये जो मॉडर्नाइजेशन का रूप देखने मिल रहा है, पर हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। आप ऐसे ही बिल्कुल अच्छे अच्छे गीत बनाते रहे, सक्सेसफुल होते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, मैं आपको बता दूं कि आज चमकते सितारे के सेगमेंट में हमारे साथ जुड़े थे प्रसिद्ध कुड़माली भाषा के गायक डॉक्टर शैलेश कुमार महतो, और हम फिर से हाजिर होंगे एक नए चमकते सितारे के साथ। तब तक के लिए आप हमें हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर फॉलो करें। अगर आप भी चमकते सितारे का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें कॉल या व्हाट्सएप करें हमारे नंबर 9472786904 पर। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे शिल्पी को दीजिए विदा, और सुनते रहिए रेडियो खांची 90.4 FM, हम सबका रेडियो।